हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको एम्पलीफायर के कनेक्शन समझाए थे। अभी इस वीडियो में आपको लाइव इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर बोर्ड मेरे पास कौन सा है पहले आपको दिखा देता हूँ। जो एम्पलीफायर बोर्ड मेरे पास है ये एमवी कलेक्शन की तरफ से आने वाला 300 वाट का ये बोर्ड है और ये 50/50 DC सप्लाई से चलता है। अब यहाँ पर क्या है ना, इसमें रेक्टिफायर नहीं है, तो अलग से हमें रेक्टिफायर को लगाने के लिए एक छोटा सा सर्किट और लिया है। अगर आपके पास ये सर्किट नहीं है तो इजीली इसको बना सकते हैं। वैसे इजीली बनाने से अच्छा है कि आप इसको ले लें, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब कनेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ इसमें, जो है ना ये स्टीरियो मिड टोन एक्वलाइजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके लिए थोड़ा सा बेस वगैरह थोड़ा सा अच्छा जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वैसे अगर ये नहीं जोड़ना चाहते तो आपके पास जो अलग से कोई बेस का सर्किट हो उसको भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल ये मेरे पास है तो उसको मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो कनेक्शन आपको समझाने वाला हूँ और पावर देने के लिए ट्रांसफार्मर का इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। ट्रेडल ट्रांसफार्मर है मेरे पास और ये जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास ये इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 30/30, 40/40, 50/50, 60/60 और यहाँ पर 12/12 भी है और साथ में 0/12 भी, यानी कि 12 वोल्ट अलग से चाहिए वो भी इसके अंदर मौजूद है। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ऑर्डर किया था, आप चाहे तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे रहा हूँ तो एक बार डिस्कस कर लेना। वैसे कोई प्रमोशन वाली वीडियो फिलहाल ये नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो डिस्कस कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कनेक्शन मैंने कैसे करने हैं, तो 30/30 के मैंने यहाँ पर वायर निकाले हैं। इसमें ज़्यादा भी दे सकते हैं, 50/50 तक ये सपोर्ट करता है, बट मैं इसको 30/30 से ही चलाऊंगा। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो है ये मेन ट्रांसफार्मर के लिए वायर दिए गए हैं, बाकी जो वायर थी वो मैंने इसमें अंदर डाल दी है। ये हमारे किसी काम की नहीं है इस वक्त, बाकी और तो है इस काम की है लेकिन इस वक्त ये किसी काम की नहीं है। फिलहाल इस वक्त हमें जरूरत है 30/30 की और 12/12 की। तो 12/12 इसको चलाने के लिए, 30/30 इसको चलाने के लिए। 50/50 का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ पर मैं 30/30 ही दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन हमें इसमें करने हैं, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से जो वायर आई हुई है वो हमारे इस रेक्टिफायर के अंदर जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 लेना है और इसमें डाल देना है, और जो यहाँ पर बीच में है इसमें लिखा भी है, देखिए ट्रांसफार्मर लिखा भी है इसमें, ट्रांसफार्मर देखिए इसमें लिखा भी है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो वायर होती है इसमें इनपुट इस तरीके से होनी है। अब यहाँ पर देखिए 30 आई, इसमें इनपुट हुई और बीच में जो है उसमें 0 जाएगी। 0 को यहाँ पर ग्राउंड भी कहा गया है और यहाँ पर 30 आ गई वो इसमें यहाँ पर इसमें कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो पावर सप्लाई यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें हमारे कनेक्शन इस तरीके से हो गए हैं। टेम्प्रेरी कनेक्शन है, परमानेंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए टेपिंग वगैरह इसमें नहीं करूँगा। टेम्प्रेरी कनेक्शन क्योंकि यहाँ पर मैं इसको बाद में अलग अलग जगह पर यूज में लेके आता हूँ, इसीलिए यहाँ पर टेम्प्रेरी कनेक्शन की कम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 वायर हमारी, यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से AC निकला, इसमें गया, इसने DC बनाया और डुअल वोल्टेज यहाँ पर बनाई है प्लस माइनस वाली। तो यहाँ पर से हमारी डुअल वोल्टेज निकली, ये हमारी माइनस की, यहाँ पर लिखा भी है ये माइनस की है, तो ये माइनस हमारी इधर बोर्ड में ये माइनस में इस तरीके से लगेगी और बीच वाली हमारी ग्राउंड की है तो ये ग्राउंड में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, और ये हमारी प्लस वाली वोल्टेज है तो ये हमारी इधर प्लस के साथ में इस तरीके से लग जाएगी। ट्रांसफार्मर से बोर्ड के ऑन तक के कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। इस तरीके से ट्रांसफार्मर से आई, इसमें गई, इसमें से DC बनाई और इसमें चली गई है, ये कनेक्शन हो गए हैं। अब हमारे जो कनेक्शन है वो इसके साथ में होने हैं, इसको इसके साथ में, यानी कि इसको सिग्नल देंगे इससे, और इसको सिग्नल देंगे हम ब्लूटूथ या फिर अदर जो भी हमारे पास रहेगा। इससे भी सिग्नल आप दे सकते हैं, अगर आपके पास ये मौजूद हो तो ठीक है, नहीं मेरे पास तो फिलहाल एक ब्लूटूथ, हमारे पास एक नेक बैंड का कटा हुआ पार्ट मैंने इस तरीके से बनाया ताकि इससे मैं जो सिग्नल देने का काम करूँ, तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है। आप भी अगर टेस्टिंग का काम करते हो तो इस तरीके से बनाइए, पुराने नेक बैंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है, अगर परमानेंटली यूज करें तो इस तरीके के मॉड्यूल वगैरह का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ और है, अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको 5 वोल्ट देनी पड़ेगी। तो 5 वोल्ट कहाँ से देंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 5 वोल्ट देने के लिए आपको ये जो 12/12 यहाँ पर निकल रही है इसको चलाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 12/12 से आप एक जो पॉजिटिव वोल्टेज है और ग्राउंड के साथ में एक रेगुलेटर जोड़ सकते हैं 5 वोल्ट का, और वो जो रेगुलेटर है वो 5 वोल्ट बनाएगा और इसको वो 5 वोल्ट देगा, ठीक है। तो एक इसमें एक रेगुलेटर लगा के आप इसको 5 5 वोल्ट इसको दे सकते हैं। तो ये 12/12 जो निकल रही है, इसमें जो 12/12 इसमें इनपुट होनी है वहां पर दे देता हूँ। अच्छा, 12/12 में कोई भी रेक्टिफायर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर रेक्टिफायर मौजूद है, आप देख सकते हैं।
तो इस वाले पॉइंट पर हमें 12 जीरो 12 के कनेक्शन करने हैं। ये है 12, ये है 12, ये है 0, जिसमें डिफरेंट वायर ये है, तो 0 का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो चलिए इसको इसमें मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। फिलहाल एक मेरे पास कनेक्टर है, तो इसको कनेक्टर जोड़ के इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ, उसको यहाँ पर टेपिंग कर लेता हूँ। परमानेंटली करना है तो टेपिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को मैंने परमानेंटली जोड़ लिया, क्योंकि ये कनेक्टर बाद में हमारे इसमें काम भी आएगा, तो इसको मैंने जोड़ लिया। तो इस कनेक्टर में 12 0 12 आ रही है इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अच्छा, ये कंपनी जो है, जिस कंपनी का मेरे पास है ये ट्रांसफार्मर, लगभग 15 एम्पीयर समथिंग आउटपुट करता है। तो 12 0 12 में कम है, और इसमें 30 0 30, 40 0 40, 50 0 50, 60 0 60 में लगभग 15 एम्पीयर ये क्लेम करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया हमारे, इसको पावर मिल गई, इसको पावर मिल गई। देखिए ट्रांसफार्मर से एक 12 0 12 इसको पावर मिली, 30 0 30 इसके माध्यम से इसको पावर मिल गई है। ये तो हो गया। अब इसमें कनेक्शन कैसे करने, अदर जो कनेक्शन होने वो देखिए। अब हमारे पास एक वायर का टुकड़ा पड़ा है, ये वायर है, छोटी सी वायर है। अब इसमें इससे इसको यहाँ पर जोड़ना है। अब वो क्यों जोड़ना है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें जो ये ब्लूटूथ की जो वायर है उसको सिग्नल देते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले इसमें हमारा सिग्नल इनपुट होएगा, इस वाले में हम सिग्नल इनपुट करेंगे, और यहाँ से सिग्नल फिर इसमें जाएगा, एम्पलीफाई करके स्पीकर में आउटपुट देगा। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कार्ड जो भी है उसके यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट के वायर इसमें जोड़ने हैं। अच्छा, ये चैनल, ये सिर्फ एक ही चैनल का है और ये दो चैनल का है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसमें हम सिर्फ अभी एक ही चैनल के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी एक ही चैनल के मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसमें जो तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट राइट जो भी मिलता है इसमें कनेक्शन करेंगे, और बीच का हमारा ग्राउंड का है, तो ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ में यहाँ पर बीच में या साइड में जहाँ पर भी हमें ग्राउंड का पॉइंट मिलता है उसको हम जोड़ लेते हैं। यानी कि यहाँ से जो सॉन्ग निकलेगा इसमें जाएगा, और इसमें से सॉन्ग को ये एम्पलीफाई करेगा, इसको देगा। तो यहाँ से तीन पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं, इसमें से सिर्फ आप लेफ्ट राइट के कनेक्शन करने, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चैनल को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें जो है, इसमें भी एक वायर के मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट राइट जो भी हमें मिल रहा है उसको पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ग्राउंड की वायर को कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर बीच की एक ग्राउंड की है। तो हाँ, ये वाला है, ये वाला कनेक्टर है, तो ग्राउंड की वायर बीच वाली है। तो साइड में हम थोड़ा सा साइड में इसको कनेक्ट इस तरीके से कर देंगे। येलो को मैंने ग्राउंड में इस्तेमाल किया है, और इस वाले को हम लेफ्ट राइट जो भी मिलता है उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो इसको मैं यहीं पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये इसमें सॉन्ग नहीं आया तो फिर इसको मैं दूसरे वाले के साथ में कनेक्शन करूँगा। पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। चलो, इसी के साथ में फिलहाल अभी जोड़ देता हूँ। अगर सॉन्ग नहीं आएगा तो इसको पलट के मैं राइट में कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। बस अब यहाँ से इसको, इसने इसने सिग्नल दिया, इसको इसने सिग्नल यहाँ से एम्पलीफाई करके इसको दिया है। अब यहाँ पर दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक ग्राउंड का और एक हमारा लेफ्ट राइट, जो भी आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टर के जस्ट नीचे हम इसको सोल्डिंग कर ले, कनेक्टर है तो कनेक्टर लगा सकते हैं, तो सोल्डिंग इसको कर लेते हैं। तो येलो वाला हमने यहाँ से ग्राउंड का लिया था, तो येलो को हम ग्राउंड में देंगे। यानी कि ये देखिए, ये ग्राउंड का ये वाला है, सभी ग्राउंड, स्पीकर का ग्राउंड, मेन ग्राउंड एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके साथ में जुड़ा है, तो स्पीकर ग्राउंड ये होगा, और ये हमारा इधर पे जुड़ जाएगा इस तरीके से। हो गया इसके कनेक्शन। अब यहाँ पर से स्पीकर के वायर हमने आउटपुट को निकालना है, तो स्पीकर के वायर के लिए भी एक दो वायर में जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर स्पीकर की वायर कहाँ पर इस बोर्ड में जुड़ेगी, एक वायर स्पीकर की जुड़ जाएगी हमारे ग्राउंड के साथ में। ग्राउंड ये देखिए, ये पट्टी हमारी इधर तक आ रही है, ये पॉइंट खाली है, इसमें हम ग्राउंड का कनेक्शन दे देंगे इस तरीके से। और एक बार हमारी जुड़ जाएगी यहाँ पर सेंटर में, एक पॉइंट खाली मिल रहा है उसमें हम जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। सारे कनेक्शन हो चुके हैं, देखिए सही तरीके से उसको जोड़ेंगे ताकि खुले ना, कहीं पर टच ना हो। एक गलती आपके एम्पलीफायर बोर्ड को बर्बाद कर सकती है, खराब कर सकती है। इसको वायर को हटा दिया हमने, अब यहाँ पर सही तरीके से इसको जोड़ लेते हैं। चलिए, हो गया कनेक्शन। अब इसको मैं पलट देता हूँ, और जो स्पीकर की वायर इधर निकल रही है उसको हम इधर को करके स्पीकर के साथ इसको जोड़ देते स्पीकर के साथ में। तो स्पीकर के लिए वायर निकल रही है, तो उसको हम जोड़ देंगे स्पीकर के साथ में। तो स्पीकर हमारा साइड में रखा हुआ है, तो स्पीकर को हम जोड़ देंगे इसके साथ में। तो एक अलग से और स्पीकर लगाऊंगा यहाँ पर सामने, आप सुन सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्पीकर साइड में है तो वो आपको शायद कम सुनाई देगा। हल्की आवाज में चलाऊंगा, ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि ये फट जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा, ये स्पीकर कम वाट का है। तो इसके लिए मैं सेफ्टी के लिए
कम आवाज में ही इसको बजाऊंगा। अब यहां पर मैं कनेक्शन कर लेता हूं, दोनों स्पीकर के पैरेलल पे ही करूंगा। तो ठीक है, वहां से जो दो वायर निकली है इसमें हमने स्पीकर जोड़ लिए है। अब यहां पर इसको सेपरेट कर लूंगा, बस टच ना हो इस बात का ध्यान रखना है। और यहां पर इसको हम इस तरीके से कुछ रख लेते हैं। चलिए ये सेपरेट है, ये 30-0-30 हमारा है, देखिए अलग से यहाँ पर हमने किया हुआ है, कोई भी वायर आपस में टच ना हो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफार्मर को पावर दे देता हूँ और इसको वाइड एंगल में रख लेता हूँ। अभी तो आपको सारी वायर है ना अटपटी लग रही होंगी, बट एक एक चीज़ आपको समझाई है, समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना, थोड़ा ध्यान से देखना, तब जाके आपको एक बार और अच्छी तरीके समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर को पावर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को पावर दे दी है, अब मैं यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करूंगा। अच्छा आवाज थोड़ा बढ़ाता हूँ, अब ब्लूटूथ मैं ऑन करूंगा और इसको मैं फोन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, बट सॉन्ग प्ले नहीं हो पा रहा है, वो क्यों चलिए बताता हूँ। यहाँ पर हमने कनेक्शन, पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन है आपको बताया था इसमें लेफ्ट राइट इसमें इधर उधर हो गई होगी, तो इसको हमने हटा के उसके साथ में उसको हमने इधर राइट में जोड़ देना, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन सिर्फ एक ही चैनल का है। तो यहाँ पर अब कनेक्शन हो चुके हैं, तो अब मैं एक सॉन्ग को, फ्री वाले सॉन्ग को ही प्ले कर लेता हूँ। चलिए ये बेस कंट्रोल का है और ये हमारा मिड का है। सॉन्ग को थोड़ा सा मैं हाई सुनिएगा आप, ये मिड कंट्रोल का है, अब मिड बढ़ाता हूं थोड़ा सा। ये ट्रेबल का है ये वाला, भाई बेस बहुत जबरदस्त है, वो तो मैं बहुत कम वॉल्यूम पे इसको चला रहा हूँ, क्योंकि भाई ये स्पीकर है सामने दिखाना भी तो आपको, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ तो फट जाएगा स्पीकर। तो एक्चुअली ये तो नहीं कहूँगा कि ये 300 वाट का ही हो सकता है, बट हो भी सकता है, क्योंकि जब इसको फुल साउंड में हम सुनेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली कितना वाट दे रहा है। बट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसके साथ में ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। बाकी तो कनेक्शन आपको समझा दिए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कनेक्शन आपको अगर भी अभी कोई भी इसमें डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, आपको एक और वीडियो में भले ही बनानी पड़े बना दूंगा, कनेक्शन लेके समझाऊंगा और डिटेल अच्छी तरीके से। अभी कैबिनेट नहीं हुआ ना, कैबिनेट के साथ में आपको बताया था, बट आप लोग अगर इस तरीके से सपोर्ट करते रहे तो कैबिनेट मंगवा के उसमें एक असेंबल करने का पूरा तरीका आपको बता दूंगा, और इससे अच्छा बोर्ड मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा अगली बारी, अगर आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बोलें कि हाँ तो कर सकता हूँ मैं। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने अपने चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना है, आपका अपना चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, हाँ कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, चलिए टेक केयर।